हेलो मैंगो पीपल एंड वेलकम टू अ न्यू एफलॉग। एफलॉग शुरू होता है यहाँ से। मुझे तो पता ही नहीं था। तो हम हैं शाताश के घर पे। शाताश ने अपने घर में रखी है दावत। आज दिन है फ्राइडे, डेट है 11 तारीख है और शाताश ने अपने घर पे हमें खाने के लिए बुलाया था क्योंकि हमारे हमें घर में खाना मिलता नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं अपने अच्छा खाना अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, जो कि हमने उनको अपने हाथों से पकाते हुए देखा नहीं है। गुब्बारे कुछ रंग बिरंगे और लंबे लंबे हैं और जो है शाताश के घर में जो खाने का मेन्यू है वो हम उनसे खुद पूछेंगे। बट इन्होंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन का सीन कुछ सपाटे मिलने रखे, तो उन्होंने कहा था मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैशबैक। तो आपने फ्लैशबैक देख लिया होगा कि उन्होंने कहा था कि आपकी बर्थडे अलग से होगी। तो मैं मिलवाता हूँ आपको आज के होस्ट, मेरी दोस्त बिल्ली की गोश्त। बहुत महंगा हो गया चिकन और गोश्त, आधा दिन जिसके पास है मेरा शाताश। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज हम आपके घर में आए हैं फॉर डिनर। आप पहले तो ये बताएं कि मेन्यू में क्या है। अच्छा माशाल्लाह से पहले बात काट रहा हूँ, बड़े पढ़े लिखे नौकर हैं आपके ये वाले, वो कपड़े भी वेस्टर्न पहने हुए थे। तो आज के मेन्यू में क्या है? मेन्यू कार्ड में आपको मिलेगी चिकन बिरयानी और बीफ के कोफ्ते, बीफ के कबाब, शामी कबाब, कीमा करेले और रशियन सैलेड, कस्टर्ड और क्या है उसके अलावा। मतलब 200-300 लोग आ रहे हैं दावत पे? दावत नहीं, आप लोग आ रहे थे। आपने कहा था कि मुझे कीमा बहुत पसंद है, तो मम्मा ने कहा कीमा को गोल गोल कर दो, कोफ्ते बना दो। ये कैसा कोफ्ता है ये? ये तो फरमाइश की थी कीमा करेले की। yes. वो हम बनाएंगे और हम बना के बैठे हैं और रशियन सैलेड है उसके अलावा बिरयानी। मतलब रशियन सैलेड कोई रशिया से बनाने आया था या बाकी रशिया से बनाने आया था? हमारे घर में सारी इंडियन रशिया की बनी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आप एक्साइटेड हैं, आपके लिए कीमा करेला बनाया गया है। यार ये मतलब कैसी मौसी है, मतलब पाल भी स्ट्रीट, बजट भी अच्छा है, पियर्सिंग भी हुई भी है। जंगी साहब भी आए हैं माशाल्लाह, मेहमान है खसूसी, सफ़ेद इस तरह पहन कर आए हैं, मीठा मुँह जैसे इनका। आपके फेवरेट स्टूडेंट हमजा होंगे। हाँ मैं आपको कैमरे में ले रहा था आवाज़ बगैर। हाँ और बोगटी ही लगती कदम। नायर भी आए, बासिफ के सबसे छोटे भाई और सबसे लंबे भाई उज़ैफा भाई भी आए हैं और जिसके घर पे आए हैं वो हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहा। लिफ्ट नहीं करा रहा यार। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसा लगा आपको मेरे घर में? मुझे बहुत अच्छा, मैं तो आपके घर में आके अच्छा अच्छा ही लगता है। और शायद आज ने एक नई चीज खरीदी हो, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी चार। सो सारा कैसी हैं आप? ठीक है। सो जो आज का मेन्यू है, मेन्यू आपको पता है? मेन्यू नहीं, सीरियस पूछो, मेन्यू पता है? मेन्यू में बिरयानी, बीफ कबाब, कीमा करेला, रशियन सैलेड और एक और आइटम है। तो आपको ज़्यादा क्या पसंद है? चिकन बिरयानी नहीं, बिसाइड्स इस घर का बना ना, तो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कि यार ये शामी कबाब, तो आपको भूख की नौयत अभी ओके या ज़्यादा लगती है? बुखार ओवरलोडेड माशाल्लाह। रंग बिरंगी शाताश के साथ रंग बिरंगी चादर। तो शाताश ने जो मैंने आपको बताया गाइस कि एक नई चीज़ खरीदी हो, मतलब आप गाइस शाताश की नई अलमारी, क्योंकि शाताश के इतने सारे कपड़े हैं कि अगर हम सेल भी लगाएं तो हम करोड़पति बन सकते हैं, है ना। ऊपर सूट केस में अलग, इसके अंदर अलग, आंटी के कमरे में अलग, ऊपर अलग, नीचे अलग, उसके दरवाजे के अंदर अलग, मतलब दरवाजे के अंदर वॉशरूम है, दरवाजे के अंदर वॉशरूम है, मेरी एसी में गाड़ी है। शाताश बगैर मेकअप बोल रहा हूँ, बगैर मेकअप के लगती है चुच्चू पूरी। बगैर मेकअप के होगी भी। हाँ तो बगैर मेकअप के आप लगती हैं चुच्चू। मैं ये बोलो बगैर लेंस के मैं लगती हूँ चुच्चू, क्योंकि मैं चश्मा पहना। और लेंस के साथ तो आप लगती हैं। शाताश ने बोला मेरी वीडियो बनाओ कि दिखे मैं काम कर रही हूँ। वैसे सारे खाने अलहमदुल्ला आंटी ने बनाए, तो इसने बोला बस अब आग लगा दूँ। अच्छा लोग जो है शाताश, आप किसी के रिश्ते में भुक्को तो नहीं लगती? नहीं, नहीं? हाँ लगती हो नहीं। तो चूल्हा बनकर और बोल भुक्को आग लग खुद ही लग जाएगी। ये क्या है शेस के कलर का? नहीं कोई तो भाई होगा ना, उसकी भुक्को लगती होगी। ये है कीमा करेला, करेले के आपने कड़वाहट सारी मार दी, तो फायदा करेला खाने का।
ये मतलब ये कौन से बजट की मासी, पहले वाइट फिर ब्लैक। तुम मालिक काम तुम कर रहे हो, मालिक को क्या था, तो नौकरों को आराम देना और हम खुद काम। 25 दिन में पैसा डबल। अच्छी अच्छा है, लड़की नहीं है। तुम करने डालने इनके ऊपर सारे जमीन पर। सो पसीना आ रहा है क्योंकि हमने एसी नहीं खोला हुआ, इस कमरे में हम खाना खाएंगे और शाहताज ने एक छोटा सा बर्थडे प्लान मेरे लिए किया है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एक और बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि आपको इस व्लॉग में दिखेगी, अ डे एट शाहताज प्लेस। डे तो नहीं क्या मतलब, डिनर के लिए आए तो ये सरप्राइज़। शायद भाई लेट एज ऑलवेज, तो उनका इंतज़ार हो रहा है। बलाज किसी वजह से आए नहीं और बास के हाथ पे लगी, दैट इज़ द रीज़न ही डिडंट केम। बाकी हम लोग सब पूरे हैं। मेरे साथ खा लो यार। ओए चुचू इधर देखो, आहत मेरे साथ नहीं खाओगे? ये बात है ब्लडी डॉग की, खा लो यार। अरे खाओ पूरा, सब खड़े हो के बता। चल 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 जा जा, मैं चाकू मार दूंगा। कैमरामैन के भी मुंह में खड़ा आ जाए। मुझे लग रहा है ये गाना कल गाने वाले तुम और जैसे खिला ब्लूपर। वो गंदे बच्चे में थे खानदान के। पार्टी के बाद शाहताज इन मासी मूड, ये वो मेहमान है जो बस खाएं और हम घर जाएंगे। दादा टीम में आ जाए, मार रहे हैं दोनों, ये दोनों मिल गए। चल मेरे साथ मिलके मारो। चल मारो अभी।
सारा ने मेरी शर्ट कर पता चला कल मैं लेकर आ रही हूं दुकान पे। सो भाई एक और सरप्राइज और मोहतरमा की मेहनत यहां की है खत्म। और आई गेस दिस वाज द लास्ट सरप्राइज आई कैन गेट फॉर माय बर्थडे। चुचू भाई बात कर रहे हैं, हम देख लो ठीक है। तुषारा थैंक यू फॉर द फूड, आपने बहुत इतना हमने खा लिया है कि पेट मतलब अंदर आमिर सियाल नाच रहे हैं। हाँ मतलब यहाँ जा रहा हूँ तो बूम डूम आवाज़ें आ रही हूँ। तो इसी के साथ छोटा सा एफ व्लॉग यहाँ पे एंड होता है उस तौलिया के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। चुचू बोलो ओके। और ये तौलिया इसको तब नहीं दिखाता जब इसने हाथ धोए थे, मेरे दुपट्टे से आके इसने हाथ साफ किए थे। है वो तो होता है। चुचू बोलो ओके ओके दबाए बोलो ओके दा बाय 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 नहीं नहीं ओके ओके दा बाय बाय बाय।